नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। आप लोगों से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधा भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बिना परीक्षा दिलाए आप लोग सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन आवेदन करना है, प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा, पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही काम की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पढ़ सकते हो, विज्ञापन जारी किया काले मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेला पिंडरा मरवाही छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक आवेदक इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 5 मई 2022 से लेकर 24 मई 2022 रात्रि 11:59 तक आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ है, 5 मई 2022 से शुरू हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाके आप लोगों को आवेदन कर देना है। और इसी के नीचे दोस्तों, आप लोग यहाँ पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन से पद पर भर्ती किया जाएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के टोटल 10 पद पर भर्ती किया जाएगा। RHO पुरुष के 24 पद पर भर्ती किया जाएगा। RHO महिला के 15 पद पर भर्ती किया जाएगा। लेब असिस्टेंट के 1 पद, डार्क रूम असिस्टेंट के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार ड्रेसर ग्रेड 1 के टोटल 13 पद पर भर्ती किया जाएगा। ड्रेसर ग्रेड 2 के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। OT अटेंडेंट के 6 पद पर भर्ती किया जाएगा। वार्ड आया के टोटल 24 पद पर भर्ती किया जाएगा। वार्ड बॉय के 18 पद, वृत्ति के 7 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, धोबी और चौकीदार के 2-2 पद पर भर्ती किया जाएगा। स्वीपर के 13 पद पर भर्ती किया जाएगा। 138 पदों पर टोटल भर्ती किया जाना है। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आवेदन करते समय कोई भी परेशानी ना हो, सभी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीत पंजीयन होना अनिवार्य है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 22,400 रुपए से लेकर 71,200 रुपए तक। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास विज्ञान विषय के साथ में। इसी के साथ यहाँ अन्य योग्यता दिया गया है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 22,400 रुपए से लेकर 71,200 रुपए तक। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास। इसी के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह का या फिर 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लैब असिस्टेंट और डार्क रूम असिस्टेंट को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए तक। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास। और इसी के साथ अन्य यहां योग्यता दिया गया है ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए, आप लोग यहां पढ़ सकते हो। ड्रेसर ग्रेड 2 को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपये से लेके 56,900 रुपये तक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10वीं पास। और जो चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती किया जाएगा उसके लिए प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 15,600 रुपये से लेकर 49,400 रुपये तक, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 8वीं पास। दोस्तों, अगर आप लोग योग्यता रखते हो तो सरकारी नौकरी के पदों पर आप लोग आवेदन कर सकते हो, और आप लोगों को बिना परीक्षा दिलाए ये नौकरी आप लोगों को मिल जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 40 वर्ष। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन्हें आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया उसके लिए केवल जो गौरेला पिंडरा मरवाही के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वही केवल आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग यहां पॉइंट नंबर 13 पढ़ सकते हो, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल से बताया गया है। जैसे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधा आप लोगों का भर्ती किया जाएगा,
आप लोग यहां देख सकते हो, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का चयन किया जाएगा फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण में। अगर डिप्लोमा किया होगा, डिग्री होगा, तो उसके लिए 85 अंक दिया जाएगा। इसी के साथ अगर अनुभव है तो 15 अंक दिया जाएगा, और कोरोना काल के समय अगर काम किया है तो उसके लिए 10 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सभी पदों के लिए भर्ती किया जाना है। यहाँ पर आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही काम की वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। और इस विज्ञापन से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।